अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई। इसको मैंने कट कर लिया है भिंडीज को, और काफ़ी बड़ी बड़ी भिंडियां हैं खैर। और ये मैंने लिए हैं मिर्चे, और ये पिसी मिर्च, ये लाल मिर्च, ये कुटी मिर्च, ये लाल मिर्च, ये धनिया, ये ज़ीरा, ये क्या है बताइए आप। ये है पिसा हुआ धनिया। अब हमने इसको करेंगे, तेल डालेंगे सबसे पहले, फ्राई करेंगे हम भिंडीज को। जब ये गर्म हो जाएगा तब फिर हम इसको अपनी भिंडियों को डाल देंगे फ्राई में। वैसे यहाँ की भिंडियाँ थोड़ी सी ना लाइट ग्रीन होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी भी दी हैं। अभी मैंने जागरीब से मंगवाई हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएंगी। अब इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर का जो होता है ना थोड़ा सा बिलबिलापन खत्म हो जाएगा। मछली की तरह ही फ्राई कर लेंगे इसे। वैसे इसे काट के ना मसाला भरा भून के, इसको काट के मसाला भरी भिंडियाँ भी बनती हैं अगर बड़ी है भिंडियाँ। लेकिन जैसे ही हमारी देसी भिंडियाँ आएंगी ना इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे बनती, वो ज़्यादा मज़े की होती है। जैसे क्रोएशिया में कोई बंदा है वो उगा रहा है। अच्छा, इधर मैंने काट के रखा है, अभी मैंने ये टमाटर काटा नहीं है। इधर मैंने ये भुनी हुई प्याज है, और ये कच्ची प्याज है, और ये इमली है। अगर इमली ना हो तो आप लेमन भी डाल सकते हैं जब हम मसाला बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखें अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस नॉर्मल सा ही करना है। सही, हमने निकाल लिया। अब हम डालेंगे इसमें प्याज सबसे पहले, और ये मैं इसमें रख लेती हूँ, ठीक है। और ये टमाटर भी इसमें आ गया। अब पहले डालेंगे हम सफ़ेद वाली प्याज, जो कि ब्राउन करना है। ये देखें, ना ज़्यादा ब्राउन हुई है और ना ही कच्ची है, ठीक है, मिड है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, और ये तली हुई प्याज ये भी चली जाएगी इसमें, और ये सारे मसाले जिसमें धनिया, मिर्चे, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और इमली, ये इसमें चली जाएगी। ये देखें, अच्छा सब हो गया है, मिल गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। थोड़ा थोड़ा डालने से ये होगा कि भुना भुना अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा कच्चा कच्चा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो भिंडी या सब्जियाँ इतनी लेती नहीं हैं, जो गोश्त वगैरह होते हैं ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब इसमें हमने वो लहसुन नहीं डाला, ना अदरक डाली, ना कुछ डाला है, ये सिंपल सा बन रहा है, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है वो इतना कुछ लेती नहीं है, तो हल्के फुल्के मसाले होते हैं वो सही भी रहते हैं। अब ये जो है हमारी इमली, ये भी गल जाएगी, मसाला भी खूब अच्छा सा बन जाएगा इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम, अभी थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखो पानी ख़त्म हो जाता है तो छन तवाज आती है। इसमें डाल दिया हमने वो एक टमाटर, ये भी इसमें गल जाएगा। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे तो ये अच्छे से सब गल जाए। आधा कप पानी और डाल दिया हमने, जब तक ये पके। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छुपा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मध्य आंच पे हमने रख दिया था। माशाल्लाह खूब भुना भुना हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे भिंडी। देखें कितना अच्छा भुना भुना हो गया, खूब सारा मसाला भी बन गया, ज़बरदस्त। लाइट का इशू आ रहा है, वरना बहुत ही मज़े का मसाला है, बहुत ही कोरमे जैसा। अब इसमें हम डालने लगे हैं अपनी प्यारी प्यारी भिंडी। चलो भाई भिंडी हो, यहाँ आ जाओ। और ये डल गई इसमें, और ये खूब मसाले वाली भिंडी बन गई है। अब इसे हम 10 से 5 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि ये खूब अच्छे से भुनी भुनी हो जाए, ठीक है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, हमारी भिंडी हो गई रेडी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह, क्या बाप है माशाल्लाह तुम्हारा। कितनी जबरदस्त भिंडियाँ, भिंडी भिंडी भिंडी, आजकल मौसम बड़ा प्यारा है भिंडी का। जबरदस्त भिंडी तैयार है हमारी। आज हमारी लाइट का बहुत इशू आ रहा है, अल्लाह जाने क्यों। चलो फिर भी बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह से, सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक सबको दे, बहुत सा दे खाने पीने को, अपनी नेमते रहमते अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे भिंडी के ना बहुत से बेनिफिट्स हैं माशाल्लाह। अगले ब्लॉग के लिए तक अल्लाह हाफिज। वाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और ये है लीमू, लीमू भी डाल सकते हैं हम। अल्लाह भैया बहुत सा दे खाने पीने को, आमीन सुम्मा आमीन। तक के लिए अल्लाह हाफिज। द विजेनिया, दो पर टेक, दो पर हराना, द विजेनिया।